हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पंजाबी तो इंग्लिश बनाने वाले इस सफर दे विच अज असीं तुहाडे लई लेके आए हां वीडियो जिहदे विच आपां समझणा आ कि पंजाबी दे सेंटेंस नूं इंग्लिश विच किद्दां बनाउणा। सिंपल जिहा सेंटेंस, सब्जेक्ट कित्थे लगना है, वर्ब कित्थे लगनी आ, ऑब्जेक्ट किवें लगना है, कित्थे लगना है, सानूं किद्दां पता सब्जेक्ट की आ, ऑब्जेक्ट की आ। स्टार्ट करदे हां वीडियो। एक सिंपल जिहा सेंटेंस आ मेरे कोल, दैट बच्चे पतंग उड़ांदे हन। पंजाबी लिखते हैं, बल्दा सेंटेंस आ, मुनेरे विच असीं देखना है सब्जेक्ट की आ। ओके, जदों वी आपां इंग्लिश दा एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं ओहदे विच तीन चीज़ां बहुत जरूरी होंदियां ने, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब साडी चेंज होंदी रहिंदी आ टेंस दे अकॉर्डिंग, सिचुएशन दे अकॉर्डिंग, उन्हां हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज होंदियां रहिंदियां ने, बट वर्ब लगनी जरूर होंदी आ। की जरूरी चीज़ां ने, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये साडे लई नेसेसरी थिंग्स ने, असीं स्किप नहीं कर सकते सेंटेंस फॉर्म करन लई। हुण देखना किवें आ कि सब्जेक्ट की आ, वर्ब की आ, ऑब्जेक्ट की आ। सब तो पहला असीं पंजाबी दे सेंटेंस विच देखना हुंदा जो साडा काम हो रहा है, सब तो पहला असीं वर्ब लभणी हुंदी आ। हुण हैगा कि इत्थे काम किहड़ा हो रहा है, पतंग उड़ाउणा। उड़ाउणा साडा की आ, वर्ब। दिस इज आवर वर्ब, फाइन। हुण असीं इहदे विच सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट लभणा आ। असीं वर्ब नूं क्वेश्चन पुट करना आ कि कौन उड़ा रहा है पतंग, तो साडे कोले आंसर की आंदा है, बच्चे। तो जिहड़ा असीं क्वेश्चन पुट किया आ, कौन, कौन हमेशा सानूं आंसर दिंदा आ सब्जेक्ट दा, तो साडे कोले इत्थे सब्जेक्ट की आया वा, बच्चे। सब्जेक्ट नूं ही असीं नाउन कह दिंदे आ, नाउन नूं ही असीं सब्जेक्ट कह दिंदे आ। प्लीज़ इन्हां दोनों वर्ड्स दे विच कन्फ्यूज़ ना होया करो। ओके, उस तों बाद असीं लभणा है इत्थे साडा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी जरूरी चीज़ आ। हुण असीं इत्थे पुछांगे, क्वेश्चन पुछांगे की उड़ा रहा है, तो साडे कोल की आ रहा है इत्थे आंसर, पतंग उड़ा रहे हैं। तीनों चीज़ां मिल गईयां, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। हुण साडा फॉर्मूला की आ। हुण असीं टेंसेस वाली वीडियो अगर तुसीं देखो साडी पुरानियां, तो उहदे विच क्लियर कीता होया जिहड़ा साडी रूटीन हुंदी आ या असीं जो काम कर रहे काम चल रहा हुंदा आ उहनूं असीं सिंपल टेंस कंसिडर करदे आ। तो साडे कोल इत्थे वर्ब किहड़ी लगनी आ, वर्ब दी सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगनी आ। तो मैं इहनूं किवें लिखूंगी, लिखना उसे तरीके नाल आ, सब्जेक्ट पहला आउणा, वर्ब आनी आ, ऑब्जेक्ट आनी आ। मैं की लिखूंगी, चिल्ड्रन फ्लाई, वर्ब मेरी की आ, उड़ाउणा, फ्लाई आ गया। ऑब्जेक्ट की आ, पतंग। सिंपल मेरा सेंटेंस फिनिश, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डन। दैट्स ऑल। द मैं इत्थे क्यों लगाया, इस चीज़ की थोड़ा एक अलग वीडियो सिर्फ द ते ही मिल जूगी, उतो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी हो जूगी। इस टाइम इस टाइम तक तुम इनू स्किप भी कर सकते हो। सो सिंपल सा साडा सेंटेंस की बनिया, चिल्ड्रन फ्लाई काइट, ठीक है। नेक्स्ट कर दें आप। ओके, इतने कुछ सेंटेंसेस लिखे आ, ये आप सेम उही चीज़ा लभनिया ने, सब्जेक्ट लभना है, वर्ब लभना है, ऑब्जेक्ट लभना है, कौन ते की वर्ड यूज करके। ओके, हुण पहला सब तो पहला असीं की लभना हुंदा आ, वर्ब लभनी हुंदी आ। तो इतने वर्ब की हो रहा है, क्लास मैं की कर रही हाँ, लै रही हाँ, सो दिस इज माय वर्ब। कौन लै रहा है, सब्जेक्ट वास्ते असीं कौन वर्ड यूज करना है, कौन लै रहा है, मैं लै रही हाँ। की लै रही हाँ, क्लास लै रही हाँ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरी यदि इंग्लिश की बनूंगी, आई टेक क्लास। नेक्स्ट आ गया मेरे को, मैं वॉक ते जाती हाँ, सेम वही चीज़, असं सब्जेक्ट लभना है, वर्ब लभना है, ऑब्जेक्ट लभना है। वॉक की आ, जो थोड़ा काम हो रहा है। हुण इत्थे जाती हाँ इज वॉक, सब्जेक्ट कौन जा रहा है, मैं जा रही हाँ, कितने जा रही हाँ, वॉक ते जा रही हाँ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे को इत्थे सेंटेंस की बनूंगा, आई गो टू वॉक। हुण इत्थे मैं टू क्यों लगाया वा, इस चीज़ के बारे पढ़न ली या जानन ली, तुसी प्रेपोजिशन की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पै चुकी है, तुसी वो देख सकते हो कितने केड़ी प्रेपोजिशन लगनी आ, थोनू ज़्यादा क्लीयर हो जाएंगी चीज़ा। नैक्सट आने असी ग्रामर दीडियोज़ देखते हैं। मान लो भी हम तुसी नॉर्मल अपनी सिचुएशन जी
नॉर्मल बैठे हो तो उन्होंने इंग्लिश बोलना हो ग्रामर दी वीडियोस देख रहे हो चलो इंग्लिश बनाने आप हूँ इतने काम की हो रहा है देखना कौन कर रहा है असी की कर रहे हैं ग्रामर दी वीडियोस राइट हूँ इन मैं इंग्लिश की लिखूंगी वी वॉच देखने इंग्लिश वॉच ग्रामर वीडियोस बहुत सिंपल जहा तरीका वा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने लगना है वर्ब कितने लगना है ऑब्जेक्ट कितने लगना है तो किवें असी फाइंड आउट करना वा पंजाबी टू इंग्लिश दे विच अपनी नॉर्मल जो थोड़ी रूटीन आ उसते ही पंजाबी दे सेंटेंसेस नू इंग्लिश दे विच कन्वर्ट करन दी कोशिश करो थोड़ी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव हो जूगी थैंक यू विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो